नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक सोनी और मैं आप सभी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं बीएसएनएल के बारे में। जो दोस्तों बीएसएनएल अभी हाल में प्लान लॉन्च किया, जो कि उसने प्लान लॉन्च किया है वो प्लान है 98 रुपीज का और उसमें आपको 1.5 GB का जो की डेटा है वो आपको रोजाना मिलेगा 26 दिनों तक। जो की दोस्तों इसका हम कंपेरिजन करें जियो के साथ, जियो ने अभी तक 100 रुपए के अंदर कोई भी प्लान लॉन्च नहीं किया है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, ये प्लान देखते हैं कि आखिरकार कितना सही साबित होता है, क्या जियो को ये प्लान टक्कर दे पाता है। जो कि फिलहाल का ये प्लान चल रहा है बीएसएनएल का वो अभी 100 रुपए के अंदर है, यानी कि हम देखें अगर जियो ने अभी तक कोई भी 100 रुपए के अंदर में कोई भी प्लान लॉन्च नहीं किया है दोस्तों। जो कि इसने एक प्लान लॉन्च किया है वो है 49 रुपीज का, जो कि सिर्फ जियो फोन के लिए लॉन्च किया है। आप अदर उसका यूज नहीं कर सकते, सिर्फ जियो फोन में जियो की सिम डाल के उसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो उसने अभी 100 रुपए के अंदर इसके अलावा भी कोई प्लान लॉन्च नहीं किया। और हालांकि देखा जाए जो कि रिलायंस जियो का अभी तक का प्लान है 28 दिनों का वो है 149 रुपीज का और उसमें आपको 1.5 GB पर डे डेटा मिलता है 28 दिन तक। और देखा जाए तो बीएसएनएल का प्लान ये जियो से कई गुना तक अच्छा है, यानी कि कम कॉस्ट में आपको ज्यादा डेटा मिल रहा है। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इतने कम प्राइस में ये प्लान मिल रहा है तो आप कौन सा प्लान यूज करेंगे, जियो का या बीएसएनएल का। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद है या क्या आप कौन सा रिचार्ज कराना चाहते हैं, जियो का या बीएसएनएल का। जो कि जियो का भी हाल फिलहाल में 50 रुपए महंगा है लगभग, देखा जाए तो 149 का वो प्लान है वो 28 दिनों तक है जो कि 1.5 GB का है। और वो बीएसएनएल ने भी लॉन्च किया 98 रुपए का जो कि 1.5 GB का 26 दिनों तक है। तो अभी हाल ही में बीएसएनएल ने एक प्लान और लॉन्च किया था जो कि था 118 रुपए का, उसमें आपको 1.5 GB तक मिलता था डेटा वो भी 28 दिनों के लिए, लेकिन वो प्लान ज्यादा नहीं चला था। जो कि ये प्लान नया लॉन्च किया 26 दिनों के लिए 1.5 GB डेटा सिर्फ 98 रुपए में। ये प्लान अभी मैं बता दूं कि ऑल इंडिया में लागू कर दिया गया, आप इसका रिचार्ज कर सकते हैं दोस्तों। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों आपको ये प्लान कैसा लगा। आप अगर जियो यूजर है तो आप बताइए कि क्या आप जियो का रिचार्ज करवाएंगे या आप बीएसएनएल की नई सिम लेंगे। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जो कि लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके ग्रे कर दीजिए दोस्तों, और जो पास में उसके बाद जो घंटी का आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही कीमती समय मुझे देने के लिए।